नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2022 की रेनो काइगर BS6 मॉडल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्राइस से, मतलब इस पर जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसके प्राइस से। इसकी ऑन रोड रायपुर की प्राइस है 9,80,000 रुपीज़ ऑन रोड रायपुर। आपके स्टेट और मेरे स्टेट में प्राइस का डिफरेंस रहेगा, तो प्राइस को लेकर चिंतित बिल्कुल भी ना हो। कलर ऑप्शन की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें आपको 6 कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको कौन सा कलर पसंद है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर वेरिएंट्स की बात की जाए तो ये 5 वेरिएंट्स के साथ में आती है। और अभी आप ये देख रहे हो, ये है इसका RX-Z सिंगल टोन टॉप मॉडल। ये मतलब सिंगल टोन के साथ में आती है। एक और इससे ऊपर एक देखा जाए आ जाती है जो कि डुअल टोन बोला जाता है। मतलब ये भी टॉप मॉडल है, वो भी टॉप मॉडल है, लेकिन वो डुअल टोन कलर के साथ में आती है, ये सिंगल टोन कलर है। अब इंजन ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें 2 इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 1 लीटर टर्बो मतलब पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और 1 लीटर एनर्जी। अभी आप ये देख रहे हो 1 लीटर एनर्जी इंजन के साथ में ही आती है। इसमें मिलता 1 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर एनर्जी पेट्रोल मोटर। पावर की यहाँ पर बात की जाए तो इसमें मिल जाती 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और EGR AMT के साथ में भी आती है। माइलेज की यहाँ पर बात की जाए तो माइलेज करीब आप इससे 18 KMPL तक की आराम से उम्मीद कर सकते हो। अगर आप इसे तौर तरीके से चलाते हो, रफ वगैरह यूज़ करते हो, तो माइलेज ड्रॉप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 2022 मॉडल में अब आपको क्या क्या चीज़ें नई देखने को मिलेगी आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहां पर सबसे पहली चीज आप देखते हो तो यहां पर आपको LED DRL नजर आ जाती है, कुछ इस टाइप की LED DRL, और इंडिकेटर भी जस्ट नीचे में है। और ये है, इसको बोला जाता है ट्राई ऑक्टा LED हेडलैम्प, प्योर विजन कुछ इस टाइप का रहने वाला है। क्योंकि ये ट्राई ऑक्टा इसलिए बोला जाता है कि 3 आपको यहां पर नजर आएंगे कुछ इस टाइप से। बाकी मैं एक बार आपको जला के भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देखो, ये कुछ इस टाइप का रहने वाला है। बहुत पहले मैंने इसका हेडलाइट टेस्ट रिव्यू भी बनाया था, अगर आप चैनल पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हो तो इसकी जो ग्रिल है कुछ इस टाइप की रहने वाली है। रेनॉल्ट का जो लोगो है यहाँ पर नज़र आ जाता है। क्रोम इंसर्ट यहाँ पर इसके मतलब जो ग्रिल है इस पर नज़र आएगी। नंबर प्लेट की स्पेस यहाँ पर आ जाती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए, अगर आप इसका टर्बो मतलब मॉडल लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको नीचे में स्किड प्लेट भी नज़र आएगी। आप चाहो तो इसमें भी ऐड करा सकते हो। फ्रंट का जो लुक है ये कुछ इस टाइप का रहने वाला है, देख सकते हो। काफ़ी मस्कुलर और हैवी लुक के साथ में ये चीज़ आपको नज़र आ जाती है। और यहाँ पर वाइपर्स इसमें नॉर्मल मिलते हैं वॉशर के साथ में। और यहाँ पर RX-Z पियानो ब्लैक फिनिश पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इसमें 195/60 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं 16 इंच के अलॉय व्हील में। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक नज़र आएंगे। और जो ORVM है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग के ऑप्शन के साथ में आती है। टर्न इंडिकेटर के साथ में पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर नज़र आ जाएगा। आउटर डोर हैंडल पहले क्या था कि इसमें मतलब बॉडी कलर में आता था, 2022 मॉडल में ये आएगा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में, कुछ इस टाइप का रहने वाला है। और यहाँ पर भी B-पिलर ब्लैकआउट फिनिश में। रूफ रेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसमें चाहो तो कैरियर भी लगा सकते हो। मतलब ये एक पर्टिकुलर जो वेट है वो झेल सकता है, उससे ज़्यादा अगर लगाओगे तो हो सकता है कि ये ब्रेक भी हो जाए, तो आप इसमें मतलब कैरियर भी लगा सकते हो। शार्क फिन एंटीना यहाँ पर नज़र आ जाएगा जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में। C-पिलर भी यहाँ पर देखते हो तो ब्लैक आउट फिनिश में नज़र आ जाएगा। फ्यूल टैंक इसका राइट साइड में देखने को मिल जाता है। इसमें 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और यहाँ पर देखते हैं तो व्हील आर्चेस भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है, जो कि आपको चारों व्हील्स पर और नीचे में भी देखते हो तो नीचे में भी ये नज़र आएगा। टर्बो मॉडल लेते हैं तो टर्बो मॉडल में यहाँ पर डिकल आ जाता है टर्बो की कुछ इस टाइप की। और यहाँ पर ये जो है ये स्टिकर कुछ इस टाइप की दी गई है। बाकी ये रियर का जो टायर है ये कुछ इस टाइप का रहने वाला है। बैक एंड में आ जाते हैं एक बार, रियर से ये कार आप देख लो, रियर से ये कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, वॉशर आ जाता है, डिफॉगर, वाइपर, और जो मतलब इसका टेल लैंप है ये LED सेटअप के साथ में आता है। ये मतलब जो इंडिकेटर है और रिवर्स लैंप ये बल्ब टाइप में दिया हुआ है, बाकी जो सेटअप है ये LED में है। रेनॉल्ट की यहाँ पर बैजिंग आ जाती है, काइगर की बैजिंग, और यहाँ पर रेनॉल्ट का लोगो। और बीच में देखते हो तो कैमरा की जो प्लेसमेंट है वो की गई है। और यहाँ पर पार्किंग सेंसर भी आपको नज़र आ जाते हैं, रिफ्लेक्टर। और यहाँ पर पीछे में SUV स्किड प्लेट दी गई है।
बाकी इसका जो बूट स्पेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको ओपन कर सकते हो, और यहाँ पर आप बूट स्पेस देख सकते हो, इसमें मिल जाती है 405 लीटर की बूट स्पेस, कुछ इस टाइप की बूट स्पेस नज़र आएगी, काफ़ी बड़ी बूट स्पेस है। और ये डीप साइड में भी है देख सकते हो, और इसके नीचे में आ जाता है स्पेयर व्हील और टूल किट वगैरह जो है ये यहाँ पर रखा हुआ है। और ये एमरजेंसी ट्रायंगल रेड रिफ्लेक्टर पार्शल ट्रे काफ़ी बड़ी यहाँ पर नज़र आ जाती है, और ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर मतलब थ्रेड की मदद से इसको कुछ इस तरीके से लगाया जिससे कि जैसे ही आप मतलब इसकी जो बूट है ओपन करते हो तो ये भी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ताकि आप सामान वगैरह रखने में आपको सहूलियत मिल जाए। 60-40 स्प्लिट सीट आ जाती है, देख सकते हो यहाँ से आप 60-40 स्प्लिट सीट इसमें दी गई है। बाकी इसको जो बूट स्पेस है वो आपने देख ली। अब इसके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ़ीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इसके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में इसमें आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएगी। इसमें देखा जाए तो 4 एयरबैग आ जाते हैं, ABS EBD सीट बेल्ट विथ प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर, इंजन इमोबिलाइजर, पार्किंग सेंसर एंड कैमरा, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आ जाती है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ये सारे फ़ीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो आउटर डोर हैंडल है ये तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको 2022 मॉडल में देखने को मिलेगा ही। बाकी अब इसके इंटीरियर साइड में चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके रियर सेक्शन से। तो यहाँ पर आप रियर सेक्शन के डोर का नज़ारा देख सकते हो, इनर डोर हैंडल, और यहाँ पर लॉक अनलॉक नॉब आ जाता है, और यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश नज़र आएगा, और यहाँ पर पावर विंडो का बटन, ग्रैब हैंडल, और थोड़ी सी स्पेस और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर ट्विटर आ जाता है। और जो रियर की सीट है ये देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप से रहने वाली है, इसमें 60-40 स्प्लिट सीट आ जाती है, फैब्रिक सीट अपॉस्ट्री दी गई है, आप चाहो तो इसमें मतलब लगवा सकते हो लेदर सीट कवर वगैरह, आपके पास ऑप्शन रहेगा। और इसके बीच में मेरे ख्याल से आर्मरेस्ट भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बीच में देखते हो तो आर्मरेस्ट और मोबाइल यहाँ पर आप रख सकते हो, दो यहाँ पर कप होल्डर मिल जाते हैं, और यहाँ पर एसी वेंट की सुविधा भी मिल जाती है इसके रियर साइड में भी, और यहाँ पर देखते हो तो मोबाइल चार्जिंग की सुविधा यानी 12 वी का चार्जिंग सॉकेट नज़र आ जाएगा, ग्रैब हैंडल कुछ इस टाइप का रहने वाला, और यहाँ पर आ जाता है रीडिंग लैंप जो कि बल्ब टाइप में दिया हुआ है। सीट के पीछे में मैप पॉकेट मिल जाते हैं उस साइड में भी और इस साइड में भी, तो सीट वगैरह की जो कंफर्ट एंड कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बाकी लेग स्पेस आप देख सकते हो, सीट अभी देखा जाए तो मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट की हुई है, तो उस हिसाब से जो लेग रूम है काफ़ी अच्छी इसमें मिल जाती है देख सकते हो, हेड रूम भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा पसीना हो गया है, अवॉइड कर देना बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल आप देख सकते हो। बाकी जो डैशबोर्ड जो व्यू है ये कुछ ऐसा रहने वाला है, एक बार आप रियर से चेक कर लो। अब इसके फ्रंट सेक्शन में चलते हैं, जो हेडलाइट है ये बंद कर दिया जाए, और जो फ्रंट डोर का नज़ारा है ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ग्रैब हैंडल और इनर डोर हैंडल यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर लॉक अनलॉक नॉब आ जाती है, और यहाँ पर ORVM के कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ से आप इसके मिरर को फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकती हो। और इसमें आप देखा जाए ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन विंडो मिल जाती है विथ एंटी पिंच, मतलब इससे पहले वाली जो मॉडल्स थी उसमें एंटी पिंच का ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन इसमें अब एंटी पिंच का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप इसकी जो विंडो है वो लॉक कर सकती हो। और यहाँ पर बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, और जो फ्रंट की सीट है ये कुछ इस टाइप की रहने वाली है। यहाँ पर जो स्ट्रीच वर्क वगैरह ये काफ़ी अच्छी मिल जाती है देख सकते हो, और यहाँ पर सीट हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से इसकी सीट की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो। दो यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फ्रंट वाले जो मतलब जो इसके हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल है, रियर में भी देखते हैं तो रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बताना भूल गया था। और यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर फ्यूल कैप ओपन करने का लीवर मिल जाता है, ये इसके तीनों पैडल्स, और यहाँ पर हेडलाइट लेवलिंग जो स्विच है ये कुछ इस टाइप से दी हुई है, ये मैन्युअली आपको ऑपरेटेड मिलने वाला है। और जो स्टेयरिंग व्हील है ये देखा जाए तो 3-स्पोक फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाती है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में, लेदर रैप दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट के साथ में आती है। यहाँ पर देखते हैं तो राइट साइड में इसके हेडलैम्प के कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में वाइपर के जो सारे कंट्रोल्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पर ये आ जाता है मतलब पियानो ब्लैक फिनिश में इसका जो AC वेंट है। एंड अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर देखा जाए तो कुछ इस टाइप से, यानी कि इसमें मिल जाती है कलरफुल डिस्प्ले कुछ इस टाइप की दी हुई है, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी अच्छी दिखती है। बाकी ये आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।
इसकी साइज़ वगैरह की बात की जाए तो ये 17.78 सेंटीमीटर की इसमें क्लस्टर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि कलरफुल में दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कूलेंट टेम्परेचर बताता है, यहाँ पर फ्यूल मीटर बताता है, बीच में देखते हो तो यहाँ पर स्पीड मीटर आ जाता है, और यहाँ पर रियल टाइम बता रहा है, ये नॉर्मल में आ गया, नॉर्मल बता रहा है। मतलब इसमें तीन टाइप के मतलब ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर टॉगलर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इसको चेंज कर सकते हो। स्पोर्ट मोड में आ गया, ये इको में आ गया, और ये नॉर्मल में आ गया। तो यहाँ पर आपको तीन टाइप के ड्राइविंग मोड्स भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखते हो तो आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा है, ट्रिप यहाँ पर ए बता रहा है, यहाँ पर ओडोमीटर की मेन रीडिंग आ जाती है, और यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो भी अपन चेक कर लेते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये डिस्टेंस टू एमटी भी बता रहा है, और ये ट्रिप बी आ गया, ट्रिप ए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। और बीच में यहाँ पर आपको काइगर मतलब यहाँ पर जो डिस्प्ले यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, ये पसीना लग गया यार सॉरी। और यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश नज़र आ जाता है। अब बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिल जाता है 20.32 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, FM, AM रेडियो, और यहाँ पर USB भी ये सपोर्ट करता है, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और ये देखा जाए तो मतलब जो टच रिस्पांस वगैरह है, ये भी आपको मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो टच रिस्पांस वगैरह भी काफ़ी बेटर और काफ़ी स्मूथ मिल जाता है इसमें। और इसकी जो रियर की मतलब कैमरा है वो कैसा दिया हुआ है, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि रियर का जो कैमरा व्यू है वो किस टाइप का यहाँ पर रहने वाला है। ये मेरे ख्याल से गाड़ी बंद हो गई, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो रियर कैमरा व्यू, देखा जाए तो एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही ठाक है। और यहाँ पर आपको और क्या क्या चीज़ें नज़र आएगी, रेडियो, मीडिया, और यहाँ पर फ़ोन आ जाता है। व्हीकल में देखते हैं कि व्हीकल सेटिंग वगैरह, ये ड्राइविंग इको में है, रियर कैमरा व्यू ऑन है, पार्क असिस्ट दिया हुआ है, ड्राइविंग इको में आ गया। यहाँ पर एक्सेलरेशन, गियर शिफ्ट, मतलब ये आपको रेटिंग्स भी देता है, और एंटिसिपेशन, इको कोचिंग वगैरह दिया हुआ है। ट्रिप रिपोर्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ट्रिप रिपोर्ट वगैरह, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड 11.5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस विदाउट कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती है। तो टच रिस्पांस वगैरह काफ़ी अच्छा इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक माइक्रोफोन भी दिया हुआ है, रीडिंग लैम्प आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा, जो कि अगेन बल्ब टाइप में दिया हुआ है। और इसकी जो की है, इसको बोला जाता है स्मार्ट एक्सेस कार्ड, कुछ इस टाइप की, मतलब ये काफ़ी बड़ी सी यहाँ पर आपको की देखने को मिल जाती है, मतलब कार्ड के साइज़ की लगभग है। इसमें लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेड लैम्प और बूट ओपन करने की बटन मिल जाती है। पीछे में देखते हो तो रेनॉल्ट का लोगो भी नज़र आ जाता है। इसका मतलब एक मतलब कमाल का फीचर है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। यहाँ पर बाकी की चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ से आप डिफॉगर ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर मिल जाता है, ये है इसका मतलब हैजार्ड लाइट का बटन, और यहाँ पर पावर डोर लॉक का बटन मिल जाता है। इसमें देखा जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाती है। अब 2022 मॉडल में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2022 मॉडल में अब आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा, देख सकते हो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड भी ऐड कर दिया गया। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, USB मतलब जो सॉकेट है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो वायरलेस चार्जिंग पैड अब इसमें आपको नज़र आने वाला है। और ये है इसका 5 स्पीड का गियर बॉक्स सेटअप। इसमें जो रिवर्स गियर है, ये आपको थोड़ा सा यूनिक तरीके से लगाना होता है, जैसे कि ये यहाँ पर देखते हो तो इसको थोड़ा सा जैसे उठाते हो, और उसके बाद जैसे ही आप इसको आगे मतलब इसको ढकेलते हो तो ये क्या है कि इसका जो रिवर्स है वो लग जाता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कि ये सारी चीज़ें तो हमको पता है, लेकिन बहुत सारे भाइयों को नहीं पता रहता, इस तो इस वजह से मैंने बता दिया। और यहाँ पर इसमें एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाती है, देख सकते हो यहाँ पर आपको लाइट जलती हुई नज़र आ जाएगी, तो इसमें एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाती है। और इसके नीचे में देखा जाए तो स्टोरेज स्पेस भी आ जाता है। अब क्या है कि थोड़ा सा अंधेरे की वजह से अपन क्या करते हैं, इसकी जो रीडिंग लैंप है ये ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके नीचे में स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, काफ़ी बड़ी स्टोरेज स्पेस दी गई है। और इसमें आर्मरेस्ट भी मिल जाता है सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में। और यहाँ पर इसके जो डैशबोर्ड ट्रिम है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा नया ये चीज़ आपको नज़र आने वाला है, देख सकते हो ये थोड़ा सा अब अलग दिया गया है। और यहाँ पर इसमें जब इसका डैशबोर्ड है, इसको ओपन करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक नीचे में एक ऊपर में, तो ये कुछ इस टाइप से रहने वाला है। और ये मेरे ख्याल से चिल्ड्रन नहीं दिया हुआ है, नहीं है।
और यहाँ नीचे में भी देखते हो तो नीचे में भी ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, तो काफ़ी बड़ी स्पेस है, देख सकते हो काफ़ी बड़ी स्पेस है। और यहाँ पर देखते हो तो ये वाला जो नॉब है, अगर आप इसको ओपन कर देते हो तो एसी की जो ठंडी हवा इसके कैबिन, मतलब जो कैबिन है, कैबिन में तो आएगी आएगी, लेकिन इसके ग्लव बॉक्स में भी सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये चिलर का भी काम करेगा। और यहाँ पर इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, इसका इनर रियर व्यू मिरर, और यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाती है, लाइट की सुविधा नहीं है, और इस साइड में देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। बाकी ये कार आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कार को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें जो मतलब एक कमाल का जो फीचर है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। उसके लिए गाड़ी से अपने को बाहर आना पड़ेगा, एंड जैसे ही मैं गाड़ी से थोड़ा दूर जाता हूँ ये लॉक हो जाती है। मतलब मैंने कोई बटन वगैरह कुछ भी प्रेस नहीं किया, और जैसे ही मैं थोड़ा सा पास में आता हूँ तो ये अनलॉक हो जाती है। मतलब बटन देख लो, यहाँ पर अभी ये अनलॉक है, जैसे ही मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ ये लॉक हो गई। तो ये है देखा जाए तो मतलब स्मार्ट, मतलब जो कार्ड है ये बोला जाता है, स्मार्ट एक्सेस कार्ड इसको बोला जाता है। तो ये भी देखा जाए तो कार्ड के साइज़ का ही दिया हुआ है। और यहाँ पर एक जो बटन है जिसको मैं फॉलो मी हेडलैम्प बोल रहा था, फॉलो मी हेडलैम्प का नहीं है, सॉरी ये चीज़ मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये जैसे ही अगर आप ये वाली बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पर पहले इसको मैं लॉक कर देता हूँ, लॉक पोजीशन में आ गई, एंड जैसे ही मैं इसकी जो बटन है प्रेस करता हूँ तो इसमें जो दोनों कैबिन लाइट है ये ऑन हो जाती है, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। ये देखा जाए जो बटन है डोर मोड में रहेगा तभी ये काम करता है, उसके अलावा ये काम नहीं करेगा अगर डोर मोड में नहीं है तो। बाकी ये कार आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस कार को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको इसकी टेस्ट राइड EMI से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप रेनो रायपुर मतलब मोवा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, IDs यहाँ पर फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइज मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव बी स्मार्ट ऑलवेज वेयर हेलमेट राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।